तो फाइनली गाइस हमारे एक छोटे से नन्हे से फ्रेंड और सब्सक्राइबर यहाँ पर मिल चुके हैं। क्या नाम बताया आपने? नाम संदेश। संदेश जल्दी जल्दी गाड़ा आएगा। राशि अच्छा गाड़ा है। रेडी रेडी ஆண்டவனை வணங்கு, பகவானை வணங்கிறது கூட. 27 நட்சத்திரம், 9 நவக்கிரகம், 12 ராசி. तो दोस्तों हम कन्याकुमारी के लिए बैठ चुके हैं अभी जनरल डिब्बे में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड भी मिले हैं। ये भी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु है योर नेटिव प्लेस? तमिलनाडु। ओके, ये भी तमिलनाडु से है। तो ये हम इस तरीके से बैठ रखे हैं, बात कर रहे हैं। भाई को तमिल और तेलुगु आता है और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा। यू आर लर्निंग इंग्लिश राइट? ओके, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है, मतलब सीख रहे, बाकी हिंदी भी। बाकी हाँ, ये लोग भी कन्याकुमारी ही जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो यार ट्रेन से चलते, क्योंकि रोड से चलते चलते मेरा घुटने में थोड़ा सा वो नस दब गया था, उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा था ज़्यादा लंबा। तो ट्रेन लेना बेस्ट लगा। बाकी अभी जा रहे कन्याकुमारी, उसके बाद हम रामेश्वरम जाएंगे। देन रामेश्वरम विजिट करने के बाद मेरे भैया भी आ रहे उधर से, थोड़ा बच्चे की तबीयत ख़राब है तो उनको आज चेकअप वगैरह करवाना है वहाँ पर, तो उनसे भी मिलूँगा। बाकी तब तक स्टे ट्यून्ड। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मिस्टर गो यानी मैं, उदित राणा। तो जो आज का व्लॉग होने वाला है वो कन्याकुमारी का होने वाला है। हम इंडिया के आखिरी छोर जहाँ पर इंडिया श्रीलंका बॉर्डर है वहाँ तक जाने वाले हैं। बाकी बिना देरी किए हुए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इंडिया के सबसे नीचे वाले और आखिरी स्टेशन कन्याकुमारी में। तो ये आखिरी स्टेशन है, तो यहाँ से आगे पूरा स्टॉप है। तो कन्याकुमारी भी पहुंच गए अभी। बाकी कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हो आप लोग। बाकी अब जाना है वहाँ पर कन्याकुमारी माता के दर्शन करके, फिर निकलना रामेश्वरम राम सेतु देखने के लिए। बाकी ऐसे करते करते पूरा साउथ भी कंप्लीट होने वाला है। बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार, शेयर भी कर दो। तो दोस्तों हम कन्याकुमारी पहुँच चुके हैं त्रिवेंद्रम से। तो त्रिवेंद्रमपुरम से 3 घंटे का रास्ता है कन्याकुमारी का, तो हम पहुँच चुके। तो जैसे हम यहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद यहाँ पर छोटा सा रेडी लगा हुआ है, तो यहीं पर इडली खा रहे हम। इडली आई थिंक तो 40 रुपीज में 4 पीस मिलेगा, तो यहीं पर हम खा रहे। तो 40 रुपीज में 4 पीस है, तो अभी के लिए तो हो जाएगा, शाम के लिए वहीं पर जाके देखते हैं। वहीं पर आज सोच रहे थे अगर वहाँ पर आस पास में टेंट वगैरह लगा सके तो देखते हैं। तो दोस्तों हम नीचे कन्याकुमारी की तरफ जा रहे, तो कुछ इस तरीके का मार्केट का नज़ारा है, तो देख सकते हो आप, है ना। बाकी फिलहाल आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ आने का एक बहुत ही मतलब मुझसे एक कनेक्शन जुड़ा है कन्याकुमारी का भी, वो बताऊंगा अभी। इमोशनल कनेक्शन है काफ़ी, तो वही है मेन रीज़न यहाँ आने का, वरना हम सीधे कन्याकुमारी ना आके सीधे रामेश्वरम चले जाते हैं। तो यहाँ आने का मेन रीज़न वही है, बताऊंगा आपको। तो दोस्तों पहुँच चुके समुंदर के सामने है, तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है। बाकी ये इधर उधर मार्केट है, तो ये भी है आ रहा पीछे। तो मैं आई थिंक पता नहीं कौन सा मंदिर है वो, मैं वो मंदिर ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते हैं। अभी नीचे बीच की तरफ जाते हैं। तो ये है मार्केट, और ये पता नहीं मिलेगा तो सही, क्योंकि मैंने बचपन से अभी तक वही वर्ड याद है कन्याकुमारी करके, तभी नहीं आया था। बाकी वो मंदिर मिल ही जाएगा मुझे। है यहाँ का ओशन कन्याकुमारी का, जहाँ पर 3 महासागर का संगम है। वाओ, तो ये इस तरफ कन्याकुमारी का बीच है, और वो स्वामी विवेकानंद जी को जो ज्ञान प्राप्त हुई थी, वो कहते हैं कि वहीं पर प्राप्त हुई थी।
तो वो सामने दिख रहा होगा आपको मंदिर। तो दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था कि मतलब ये पैरोट मतलब कुछ निकालता है कार्ड में से, है ना, वो तो बताता है। तो ये है, पता नहीं क्या आएगा मेरा, देखते हैं। तो दोस्तों ये 50 रुपीज़ का रीडिंग है, तो ये तोता दिखा रहा है। अरे यार अभी चेक करते हैं, तोता जब तक पैसा नहीं दे रहा तब तक कार्ड निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। देखते हैं क्या आता है। अरे दोस्तों तोते का दिखा बिना पैसे के, वो देखता नहीं था, तो काफी अच्छा लगा। मतलब मैं वीडियो वगैरह में देखा था और सोचता था कि यार एक बार बैठे उस तोते से निकलवाऊंगा, कुछ समझ में तो आया नहीं। बाकी जो नज़ारा है इस जगह के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा आप व्यू वगैरह देख लीजिए। तो बहुत बड़े बड़े वेव्स चल रहे हैं अभी फिलहाल, तो इस तरफ मार्केट है, तो हमें यहाँ से होते हुए बोट हाउस होते हुए जाना है, तो वो हमें वहाँ छोड़ेगी। तो देखते हैं अभी जाते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। तो दोस्तों रात हो चुकी है, तो थोड़ा सा सामान वगैरह कहीं पर रख कर हम लोग यहाँ का मार्केट देखने के लिए आ रखे हैं। तो ये मार्केट का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, तो देख सकते हैं आप लोग भी। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के लिए निकले थे, तो बस निकल रहे, अभी देख रहे मार्केट में बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मिल रही है, हैंडमेडेड जो समुद्र के सी सेल्स वगैरह, जो सीपी के सी सेल्स वगैरह निकलते हैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें बन रखी है ना, तो इस तरीके से है ना, ये देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे हैंडक्राफ्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये मिरर वगैरह भी पूरा का पूरा सी सेल्स से ढका हुआ है। तो अभी देखते अब जा रहे थोड़ा किनारे में, बाकी वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर निकल जाना है हमें, क्योंकि आज दर्शन नहीं हो पाया, किसी ने बोल दिया कि मतलब 4 बजे खुलता है उसको, और मुझे बोला कि 4 बजे मेन मंदिर बंद हो जाता है करके, लेकिन बाद में पता चला कि सही में 4 बजे पूरा मंदिर वगैरह बोट वगैरह नहीं चलते, क्योंकि हमें मंदिर जाना पड़ता है और फेरी लेके मतलब जो बोट है सेफ बोट है वो लेके जाना पड़ेगा, तो वो कल ही खुलेगा, तो कल जल्दी जल्दी उठ के तब जाके हमने मंदिर के दर्शन करने हैं। तो बाकी घूम रहे, बाकी ये आप भी देखो मार्केट है ना, तो ये एरिया है मार्केट का। तो अभी हमने यहाँ से होते हुए निकलना है, थोड़ा किरा मतलब जो किनारा है समुद्र का वहाँ पर जा रहे थोड़ी देर। तो दोस्तों ये है कुछ नज़ारे रात के वक्त का, तो थोड़ा लाइट की तरफ आया था मैं, हम दोनों लाइट की तरफ आए थे, तो ये पीछे स्तंभ वगैरह भी बने हुए हैं, बहुत एंशियंट टाइप का है ये। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कन्याकुमारी फाइनली। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, तो रात को वहीं बीच का साइड पर लगाया था, तो जल्दी जल्दी वो करके वहाँ पर पुलिस वगैरह आ गए थे, तो वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाए, तो जल्दी जल्दी पैक करने के बाद सामान को वहाँ बस स्टैंड में लॉकर रूम पे छोड़ दिया है, तब जाके हम थोड़ा फ्री हुए। अब जा रहे थोड़ा मंदिर की ओर, वो मंदिर इसीलिए खास है क्योंकि जब मैं अपने माँ के पेट के अंदर था उस टाइम पापा और मम्मी इसी मंदिर में आए थे, तो जब मैं वो फोटो एल्बम देखता था तो सोचता था कि मैं कब वहाँ पर जा पाऊँगा, आज वो लोग मेरे साथ नहीं है, लेकिन आज मैं वहाँ पर जहाँ पर उन लोगों ने
विजिट किया था, तो जब उन लोगों ने फोटो वगैरह खिंचाया तो मैं वो उन्हीं उन्हीं जगह में जाके फोटो खिंचाऊंगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मॉम डैड से फिर से मिल रहा हूँ उसी जगह पे। चलिए तो फाइनली दोस्तों यहाँ से हमने वोट लेना पड़ेगा मंदिर तक जाने के लिए, तो बहुत ही लंबा लाइन है यार, ये हमें वो पीछे जाना है, तो ये तो यहीं से जाना है हम लोगों को। बाकी पूरा लाइन लगा हुआ है, बाकी देखते हैं अभी कम से कम एक डेढ़ घंटा तो मतलब लाइन पे लगे रहना हम लोगों को। तो एक्साइटेड भी हूँ, जहाँ जहाँ पर मम्मी पापा लोगों ने फ़ोटो खिंचाया था तो मैं उन जगह पे जाके वहीं पर एक अपना मेमोरी भी क्रिएट करूँगा। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी यार एनर्जी ना फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल, क्योंकि बचपन से जुड़ा हुआ है, बचपन की यादें जुड़ी हुई है। उस टाइम पे मैं इस दुनिया को देखा भी नहीं था, तो अब देखते हैं वहाँ पर जाकर। तो दोस्तों बहुत ही लंबी लाइन है, ऊपर से गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। ये तो नॉर्थ ईस्ट से होने की वजह से गर्मी झेल नहीं पा रहे हम लोग। तो ये मतलब दिसंबर का सीजन है और इतनी गर्मी है, चेहरे पे देखो पूरा पसीना पसीना से लथपथ हो चुके हम। अभी बहुत लंबी लाइन है, तो पता नहीं अब लाइन कब ख़त्म होगा, बहुत ही लंबी लाइन है यार। ऊपर से यहाँ का जो मौसम है वो ह्यूमिड मौसम है, यहाँ की जो हवा में नमी है, मतलब नमक भी हवा के साथ मिक्स होके शरीर इतना चिपचिपा हो जाता है, दिन में 3 या 4 बार नहाना ही पड़ता है भाई साहब। लेकिन खुश मतलब ये जगह पे आके सही में दिल को तसल्ली मिल रही है, क्योंकि ये इंडिया का आखिरी छोर है, जो ऑल इंडिया टूर करते करते हम इंडिया के आखिरी छोर भी पहुंच चुके हैं। बाकी ब्लॉग इंजॉय करते रहो। तो फाइनली दोस्तों बाहर पहुंच चुके हम, ये है फेरी यहाँ का जिसका टिकट हमने लिया था। बाकी निकल रहे चल रहे, अब वहाँ से पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब देखते हैं वहाँ पर खाना वगैरह भी, मतलब हमने सुबह ब्रेकफास्ट बिना किया हम निकल गए थे, अच्छा हुआ ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, अगर ब्रेकफास्ट कर लेते तो आई थिंक यहाँ पर और ज़्यादा टाइम लगता। अब देखते हैं वहीं पर आइलैंड पे कुछ मिलेगा तो वहीं पर खाएंगे, नहीं मिलेगा तो वापस आना पड़ेगा, पूरे दिन भूखे क्या है, इतना तो कर ही सकते ना आप लोगों के लिए, तब तक स्टे ट्यून। तो ये है जहाँ पर हमें जाना है और इस पर चढ़ के जाना है, तो वेट कर रहे, आई थिंक यहाँ पर वेट करना ना पड़े यार, यहाँ पर वेट कर लिया ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों हम फेरी के अंदर तो घुस चुके हैं, मतलब सीट वगैरह तो मिला नहीं, फिर भी हम घुस चुके हैं। तो बस अब जा रहे विवेकानंद मेमोरियल स्टोन को देखने के लिए, वहीं पर मंदिर भी बनी हुई है तो वही देखने के लिए जा रहे। तो ये बोट निकल चुकी है हमारी, तो दूसरा बोट आ रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो ये दूसरी बोट जो वापसी हो रही है वो पैसेंजर को लेकर वापसी हो रही है। बाकी ठीक था प्राइस भी 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ में खड़े होकर जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत पीछे थे हम लाइन के, तो जगह मिली नहीं। बाकी बने रहो, अब वहीं पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हम बोट उतर चुकी है, तो ये निकल रहे हम, तो आराम आराम से निकलना पड़ेगा। तो ये चढ़ रहे हम, थोड़ा सा क्या हो रहा है ये, अरे 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 अरे, बस 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 बस, तो बस निकल रहे हम, तो उतर चुके हैं। बाकी ये है बोट, इतनी भीड़ है यार यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़। तो हम उतर चुके हैं यहाँ पर विवेकानंद मेमोरियल रॉक के अंदर, तो अभी जा रहे काफ़ी अच्छा लग रहा है, फाइनली पहुँच गया। तो फाइनली दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि
आफ्टर 27 इयर्स बाद मैं उसी जगह पे फोटो क्लिक करने वाला हूँ जहाँ पर मेरे मॉम डैड ने किया था, और वो शॉर्ट रील्स बना रहा हूँ। होप आप लोगों को भी पसंद आएगा, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि आफ्टर 27 इयर्स उस टाइम पे मैं मॉम के पेट के अंदर था और आज मॉम डैड मेरे साथ नहीं है। तो दोस्तों ऑन द वीडियोग्राफी वगैरह तो अलाउ नहीं था, बाकी अंदर स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू बनी हुई थी काफ़ी अच्छी, और अंदर मेडिटेशन हॉल था, हम बगल में उनके गुरु रामकृष्ण का भी फ़ोटो वगैरह था, और बगल में उनकी वाइफ की फ़ोटो, जो उनके गुरु के वाइफ थे, आई थिंक वाइफ ही होंगे, उनके फ़ोटो थे। तो बाकी बहुत अच्छा स्टैचू बना हुआ था विवेकानंद जी का। बाकी कुछ प्लेस इस तरीके का है, ये है एक छोटा सा आइलैंड, मतलब पत्थर के ऊपर बना हुआ है। बाकी आप जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि सुबह से नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था, तो सीधे लंच करके हमें रामेश्वरम के लिए निकलना है। तो चलिए निकलते हैं। बाकी दोस्तों ये कुछ बाहर का नज़ारा है, तो यहाँ पर भी मंदिर वगैरह है। तो अब हम निकलने के लिए रेडी है, फ़ोटो वगैरह खिंचवा लिया जहाँ पर मेरे मॉम डैड ने फ़ोटो खिंचवाया था। बाकी निकलते हैं आप खाना खाने के लिए। आई मेड इट गाइस। तो फाइनली गाइस हमारे एक छोटे से नन्हे से फ्रेंड और सब्सक्राइबर यहाँ पर मिल चुके हैं। क्या नाम बताया आपने? नाम सेल वाली। तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, तो ये मिल चुके हैं हमें यहाँ पर कन्याकुमारी में ऑल इंडिया टूर करते करते। बाकी हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन, सो बात करो कुछ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो तो फाइनली गाइस है ना, हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने से तो हमारे इस ब्लॉग के पार्ट में भी छोटे से इनका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वे हमारे छोटे से दोस्त ने कहा है, तो तब तक स्टे ट्यून। फाइनली दोस्तों कन्याकुमारी का सफर यहीं पर खत्म होता है। वो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आखिर यहाँ पर भी पहुँच ही गए। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो और शेयर करना मत भूलना। कौन सी पार्ट सबसे अच्छी लगी कमेंट करके बता दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट स्टेट में। तब तक स्टे ट्यून्ड।